मेरा नाम सोनिया चौधरी है और मैं स्टॉप एसेट कैंपेन के साथ कैंपेनिंग करती हूँ और मेरे पे अटैक 2004 में हुआ था, लेकिन मैंने उसको पीछे छोड़ा क्योंकि मेरे को आगे निकलना था और मैं इसलिए आज कैंपेनिंग करती हूँ और बहुत जगह जाती हूँ। कैंपेनिंग करने के साथ मुझे एक चीज़ और मेरे को देखने में मिली कि लोगों में ना भेदभाव का बहुत ज़्यादा एक नज़रिया है, लड़का एंड लड़की और ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों है। तो मेरा मानना है कि सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, कोई अलग नहीं है। आई थिंक सबको भगवान ने एक ही लाइफ दी है और उसको अच्छे से इंजॉय करके जीना चाहिए। आप अलग क्यों समझ रहे हैं किसी को? मैं यहाँ हूँ, शायद ये भी एक रीज़न ही है कि मैं सबको अपने साथ ही लेके चलती हूँ और मैं सबको अपने जैसा ही समझती हूँ। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी प्रोग्राम में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली मैं थैंक्स करूँगी अतुल भाई को जो मुझे यहाँ पर लेके आए, क्योंकि कैंपेनिंग में हम लोग बहुत जगह जाते हैं। हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि हम लोग अवेयरनेस के लिए हम लोग काम करते हैं ताकि लोग अवेयर हों एसिड के अगेंस्ट, समझें कि एसिड क्या है। लेकिन ये भी एक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग इस चीज़ को भी समझें। लोग अपने मर्जी से अपने घर पेरेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से कहीं ले जाते हैं या कोई प्रोफेशन दे देते हैं कि नहीं आपको ये करना है। आप वो प्रोफेशन तो उसको दे सकते हो, वो ज़िंदगी उसको दे सकते हो, लेकिन वो खुशियाँ नहीं दे सकते हो। तो खुशियाँ तभी मिल सकती है जब आप उनको अपनी लाइफ खुद जीने दें। और मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स करें। आप लेस्बियन हैं या गे हैं, मैं मानती हूँ कि कोई बड़ा इशू नहीं है, इशू बनाया जाता है। इशू कोई चीज़ नहीं होती है, इशू बन जाता है क्योंकि लोग उस पर ज़्यादा ही मतलब कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं कि ये नहीं, अरे ये वो है, ये वो है। इंसान है वो, सबसे पहले इंसान है, आप इंसान की तरह ट्रीट कीजिए उसको। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सब अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय करके जिए, कोई क्या कहता है। क्योंकि मैं भी बाहर निकलती हूँ, मुझे भी बहुत से लोग अलग अलग कमेंट करते हैं, मैंने उस कमेंट को एक, मेरा मानना है भगवान ने दो कान इसलिए दे, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। अच्छा सुन रहा है तो दिमाग में रखो, बुरा सुन रहा है तो निकाल दो। तो मेरा मानना है कि सबको अच्छे से जीना चाहिए। ये मत सोचिए कि आप क्या हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, आप कैसे जी रहे हैं। आपको जो जी में आता है आप वो करिए और जीना ही जिंदगी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनिया, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बोली हमें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच अतुल फॉर गेटिंग सोनिया टू अस। मेरी हेल्थ एक्चुअली नॉट गुड, मैं तबीयत ठीक नहीं इसलिए कम हो गई, कम परेशान किया। नहीं, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली, थैंक यू सो मच।